अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये क्या सुनने में आ रहा है कि 2000 रुपए की नोट को बंद कर दिया जा रहा है। मुझे पता है क्या लग रहा है कि जब 2000 की नोट निकली थी तो ये बोला गया था कि जो नैनो चिप होती है वो उसके अंदर डाली जाएगी वगैरह वगैरह, और अब मुझे लग रहा है कि जो नैनो चिप है वो शायद खत्म हो चुकी है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि अब 2000 की नोट को हम बंद कर देते हैं। ये क्या मजाक चलता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी है, इतने उनकी लाइफ में, आम जनों की लाइफ में इतने मसले होते हैं, वो ये सब करेगा। मुझे जैसे जब मैंने न्यूज सुना तो मुझे एक ही चीज का ख्याल आया और मुझे डर भी लगा कि जब पिछली बार ये चीज हुई थी, जब नोटबंदी जब हुई थी और कई कई लोग उससे सफर किए थे, बहुत लोगों ने सुसाइड किया था, बहुत कुछ हुआ था इंडिया में, आई रिमेम्बर। मैं बस मुझे यही था कि अभी भी इस बार ऐसा ना हो, तो अल्लाह का शुक्र है चलो इस बार ऐसा तो नहीं किया। सितंबर 30 तक का उन्होंने टाइम दिया कि आप लोग कोई भी बैंक जा सकते हो एंड यू कैन चेंज द नोट। लेकिन आपको लगता है क्या ये सब करना जरूरी है? मैं आप लोग को एक एडवाइस देना चाहूंगी। देखिए, हम इतने अमीर है नहीं है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है। हमारे पास अगर घर में कैश होता है, आप लोग कैश मत रखा करें घर में, आप लोग बैंक अकाउंट, बैंक में आप लोग अपना कैश रखा करें। और जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो प्लीज जाकर के बैंक अकाउंट बनाए। और जितने आपको कैश की जरूरत होती है मैं कहूंगी बस उतना ही कैश अपने हाथ में रखें, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, कब क्या इंडिया का लॉ चेंज हो जाए और हम आम जनता ये सब चीजों में बड़ी परेशान हो जाती है। तो मैं अपने भाई बहनों को मैं यही चीज बताऊंगी कि जो अपना कैश है वो बैंक में ही रखा करें ज्यादातर। थोड़ा बहुत कैश आपने अपने पास रख लिया, क्योंकि पता नहीं फिर आप सुबह उठोगे तो आपको एक न्यूज सुने में आएगी कि भाई ये नोट बंद हो गई, वो नोट बंद हो गई, अब तो भाई पैसों के ऊपर भी भरोसा नहीं रहा। सीरियसली। तो चले बस इतना ही कहना था, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।